नमस्कार दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। भारत से वियतनाम को जो सूती वस्त्र गारमेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसके लिए वियतनाम को एक्सपोर्ट किए जाने वाले गारमेंट पे वर्तमान में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 1 जनवरी 2019 से टैक्स फ्री होगी। और इसकी एक बड़ी खबर, भारत के राजदूत जो वियतनाम में हो मिन ची सिटी में हैं, उन्होंने घोषणा की कि भारत और वियतनाम के बीच जो आसियान संगठन का समूह है उसके जो मेंबर हैं उनके बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है उसके अंतर्गत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेगा वियतनाम भारत से। तो भारत के कपड़ा उद्योग, गारमेंट उद्योग के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कल घोषणा की गई। तो आइए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा संचालित की जाती है, एक्जिम ट्रेनिंग के सौजन्य से ये न्यूज आपको दी जाती है। आपको रोजाना लेटेस्ट न्यूज से अपडेट कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे इन खबरों को देखते रहे, हमारे इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान संगठन के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है उससे भारत से आयात किए जाने वाले अधिकांश सूती और सूती बने हुए कपड़े 1 जनवरी 2019 से वियतनाम में कर मुक्त हो जाएंगे। भारतीय इन्वेस्टर्स ने वियतनाम की 201 बड़ी परियोजनाओं में बहुत निवेश किया है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त के बीच वियतनाम को जो गारमेंट वस्त्र और वस्त्र उत्पादों की जो बिक्री की थी वो 257 मिलियन डॉलर की थी, जो पिछले वित्त वर्ष की अवधि में 59% अधिक थी। देखिए ग्रोथ बढ़ा है हमारे भारत से वियतनाम को एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसकी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 59% बढ़ी है। वर्तमान में 2018 के पहले जो 9 महीने थे उसमें द्विपक्षीय व्यापार में यानी 2017 में की अवधि में 47% बढ़कर भारत का टोटल एक्सपोर्ट 827 बिलियन डॉलर हो गया। दोनों देशों ने 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में जो लक्ष्य रखा है वो 15 बिलियन डॉलर का है। तो जो गारमेंट का बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो कॉटन फैब्रिक या कॉटन गारमेंट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खुशखबर है। भारत के राजदूत श्रीकर रेड्डी ने हो मिन ची में बताया कि वियतनाम के लिए जो हम 555 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट करते थे वो पिछले वर्ष में 42% था 2017 के अपेक्षा। दोनों देशों के बीच जो 7 बिलियन डॉलर का था 62, उससे वियतनाम को जो निर्यात किया जाता था उसमें से 375 बिलियन डॉलर शामिल थे। और इस महीने की शुरुआत में हो मिन ची सिटी जो वहाँ भारतीय महावाणिज्य दूतावास है ने 18वीं अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान उद्योग प्रदर्शनी में भाग लेने वाले वियतनामी और भारतीय फर्मों के बीच एक बैठक आयोजित करने के लिए वियतनाम कॉटन एंड स्पिनिंग एसोसिएशन VCOSA के साथ काम किया है। ये खबर मैं राकेश अग्रवाल, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। और ऐसे लोग जो गारमेंट एक्सपोर्ट करने में अपना काम करते हैं उनको वियतनाम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में 1 जनवरी 2019 से एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। आइए दोस्तों, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, इसको सीखने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखने के लिए एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर की क्लासेस इंदौर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद में आयोजित की जाती है। आप व्हाट्सएप नंबर 8319272340 पर संपर्क कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, परफेक्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। देखते रहिए हमारे आने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ के वीडियो को ताकि हम आपको अपडेट कर सके दुनिया के बाजार से। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।